तो पिछली क्लास में आप सबने देखा था, मैं सारे के सारे बच्चों को लेके जा रहा था एक पिकनिक पे, वहाँ पे आने वाले हैं बहुत ही ज्यादा मजे। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। तो यार अभी हम पहुँचने वाले हैं जहाँ पर हम मनाने वाले हैं अपनी पिकनिक। अरे विकी भाई, यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और यार शिनचैन, मैंने सारा का सारा इंतजाम कर दिया पिकनिक का, बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो अपना थॉर भी उतर चुका है और सबके सब जने आते जाओ यार, फटाफट से आ जाओ यहाँ पे। मैंने तुम्हारा पूरी की पूरी प्लानिंग कर दी है आज की, जो की है ये। अरे विकी भी ये क्या है? अरे यही तो प्लानिंग। अरे विकी भी इधर भी पढ़ाओगे? अरे हाँ भाई, आज अपन पढ़ने वाले पिकनिक स्पॉट में, मतलब बिल्कुल नदी के पास पढ़ेंगे और बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। अरे हमें तो लगा तुम हमें यार घुमाने लेके जा रहे हो, पर तुम तो हमें पढ़ाने आ गए। अबे चुपचाप बैठो, घूमना है तुमको, चुपचाप पढ़ाई करो यहाँ पे बैठ के। एक तो इतना दूर लेके आओ तुमको पढ़ाने, और ऊपर से मेरे को ही बोल रहे हो ए क्रिश चुपचाप नीचे बैठ। तो आओ बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो यार सबको अपने अपने रोल नंबर तो मिल गए और मेरा भी अटेंडेंस लेने वाला, तो चलो शुरू करते हैं। अरे सर। हाँ डाकू मंगल सिंह बोलो। अरे सर मैं यहाँ पे नहीं पढ़ सकता, इतनी बढ़िया जगह पे मैं पढ़ नहीं सकता, मैं जा रहा हूँ यहाँ से क्लास छोड़ के। ए डाकू मंगल सिंह, तेरे घर पे फोन कर दूंगा, चुपचाप बैठ। अरे सर जो करना करो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अबे रुक जा, इसको कोई पकड़ो, लगता है इसे घर पे फोन करना पड़ेगा, इसको तो मैं मुर्गा बना बना के मारूंगा। उसको छोड़ो, अपन अपनी अटेंडेंस शुरू करते हैं। रोल नंबर 1 हाइला, मैं प्रेजेंट हूँ। रोल नंबर 2 एनी पे प्रेजेंट हूँ। अरे इन्होंने तो मुझे घर पे छोड़ दिया था, मैं बहुत ज्यादा थक गया, पर आखिरकार मैं पिकनिक स्पॉट तक पहुँचने वाला हूँ। आज तो मस्त पिकनिक मनाएंगे, खाना खाएंगे, बहुत सारा मजा आएगा। अरे सर 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 मैं आ गया। रोल नंबर 4 अरे सर मैं रोल नंबर 4 प्रेजेंट। एक सेकेंड, यहाँ पे क्या पढ़ाई चल रही है? अरे हल्क तुम आ गए, चलो बैठो पढ़ाई करें। अरे क्या, मुझे तो लगा था पिकनिक मनाएंगे, यहाँ पे तो पढ़ाई करा रहे हो। कोई पिकनिक नहीं मनाने वाले, मतलब यार पढ़ाई करते करते पिकनिक मनाएंगे, तुम टेंशन क्यों लेते हो? चलो फटाफट से रोल नंबर 5 प्रेजेंट सर। रोल नंबर सिक्स अबे कौन है बे, कोई बोल लो। अरे विकी भैया थॉर भैया का ये रोल नंबर 6। अबे थॉर तेरे को कितनी बार ये हमेशा याद दिलाना पड़ेगा क्या? थॉर माफी चाहता है, थॉर भूल गया था। चलो ठीक है, रोल नंबर 7 प्रेजेंट सर। तो सबके सब बच्चे प्रेजेंट है और एक बच्चा अपना भाग गया, कोई बात नहीं, आज शुरू करते हैं अपन फटाफट से अपनी क्लास। तो बच्चों तुम में से मुझे कौन बताएगा कि इस एनिमल का क्या नाम है? और अगर आपको पता है तो आप भी यार कमेंट कर सकते हो। अरे सर ये तो शिनचैन जैसा लग रहा है। हाइला ये तो शिनचैन है। अरे ये तो बिल्कुल शिनचैन का डुप्लीकेट है। अरे नहीं ये बिल्ली है। ये एक पिग है। बहुत बढ़िया थॉर, पिग की स्पेलिंग सुनो। पीजी पिग। एनी पिकी में जो खुद जैसा दिखता है ना वो दूसरे को वैसा ही बोलता है, और जो पहले वो बोलता है वो वही होता है। यानी एरिनमिन भैया, हल्क भैया और क्रिश भैया तीनों के तीनों पिग है, मतलब PIG पिग। अरे बहुत बढ़िया शिनचैन, बिल्कुल सही स्पेलिंग, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। चलो अब बताओ ये कौन है? अरे विकी बे ये तो मेरा दोस्त है शेरू। शेरू एक काम कर, आयरन मैन भैया को काट ले। अबे शिनचैन अबे तेरा दोस्त कैसे है ये? अबे इसने तो सही में आयरन मैन को काट लिया। अबे भाई ये शेर तो पागल हो गया। अरे विकी बे ये मेरा दोस्त है, इसका नाम शेरू है। अबे भाई ये तो बहुत खतरनाक है, अरे शिनचैन इसको घर भेजना है। अरे विकी बे रुको, और कौन मुझे पिक बोल रहा था, रुको मुझे याद करने दो। आइला सॉरी। अरे हाँ शिनचैन सॉरी, मैंने नहीं बोला था, ये क्रिश ने बोला था। आइला नहीं आयरन मैन ने बोला था। अरे विकी बे जो भी मुझसे पंगा लेगा वो चूर चूर हो जाएगा। एक्शन A few moments later. तो चलो अब हो गया है लंच टाइम, और आज है पिकनिक डे, इसलिए सबको डबल लंच मिलने वाला, सबको एक हॉट डॉग, सबको एक बर्गर और दो पेप्सी। तो चलो यार फटाफट शुरू करो। फिर मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़िया वाला गेम भी डिसाइड कर रखा है, मैं बताता हूँ उस गेम में करना क्या है। इस पानी के अंदर मैंने यार 3 गोल्ड छुपाए हैं, जो भी उस गोल्ड को लेगा उसको वो गोल्ड मिलेंगे, और वो गोल्ड यार बहुत ही ज्यादा महंगे, तो जो भी उसको पहले ढूंढेगा उसका वो हो जाएगा। तो शुरू करो यार, और ये अभी सबके सब जाने यार उसको ढूंढना शुरू कर दिए। इसको तो मैं ही ढूंढूंगा, मुझे गोल्ड चाहिए। अरे ढूंढो जिसको मिला उसका होगा वो। अरे विकी मुझे बता दो कहाँ पे। अरे शिनचैन मैं बताने नहीं वाला तुमको, सबको खुद को ही ढूंढना पड़ेगा। हाइला मुझे देख क्या क्या देख गया। हाइला ये नहीं है तो पत्थर है। अबे क्या यार ये क्रिश भी मजाक करता रहता है। हाइला इधर पानी में तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। भाई ढंग से ढूंढो, जिसको मिला उसके तो भाई बिल्कुल फुल मजे हो जाने वाले, क्योंकि वो गोल्ड बहुत ही ज्यादा महंगा है। अरे मैं ढूंढूंगा फिर इस ट्यूशन आना बंद कर दूंगा, फिर मैं खुद का स्कूल कर लूंगा, मजा आएगा। अबे तेरे को पता है तेरी आवाज मेरे तक आ रही है। अरे सॉरी। अरे गोल्ड 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 कहाँ है गोल्ड।
अरे यार वो गोल्ड कहाँ पे, मुझे ढूंढना पड़ेगा कैसे भी करके। अरे गोल्ड 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 कहाँ, अरे एक सेकंड, अरे ये क्या पड़ा है, अरे अरे ये तो गोल्ड है। अरे फिकी में मुझे गोल्ड मिल गया, अरे फिकी में मैं जीत गया। और बहुत ही बढ़िया शिनचैन, यार शिनचैन ने ढूंढ दिखाया गोल्ड, यार शिनचैन को मिलने वाला ये गोल्ड। शिनचैन भाई तेरे तो मजे हो गए भाई, इसमें तीन तीन प्योर गोल्ड के भाई नगेट्स है जिनको बेच के कम से कम तेरी यार करोड़ों चौको बीज आने वाली है। अरे क्या फिकी भैया सही में, अरे मजे हो गई। और मैं उसमें से यार 100 चौको भी नन्हे को दीदी को भी दूंगा। अरे 100 क्या भाई, तू 1000 दे सकते है। अरे क्या फिर तो आप भी 100 रख लेना। अरे हाँ, तो गाइस यार शिनचैन ये चैलेंज जीत चुका है और उसको मिल चुके हैं ये तीन तीन खतरनाक महंगे महंगे गोल्ड। अबे ये क्या हो रहा है, अबे एक सेकंड, अरे फिकी पे गोलियां चल रही है। अरे भागो भागो, अबे ये कौन आ गए, अबे ये क्या चल रहा है यहाँ पे, अबे भागो यहाँ से निकलो। अरे कहाँ भाग रहे हो, अरे फिकी पे भागो। अबे भाई ये क्या हुआ, अबे गोलियां कैसे चलने लग गई, एक सेकंड मुझे फटाफट से अपनी गन निकालनी पड़ेगी। ये लो। अबे भाई ये बंदे कहाँ से आ गए, अबे भाई इनको किसी ने गोल्ड के बारे में बता दिया क्या, ये तो सीधा गोल्ड चुराने आ गए मेरा। शिनचैन तू कहाँ पे, अरे फिकी मैं तो यहाँ पे छुप गया। अबे शिनचैन रुक जा, मैं देखता हूँ यहाँ पे और तो कोई नहीं ना। अबे भाई सबको मार दिया भाई, ये गोल्ड चुराने थे, एक सेकंड अभी अभी और भी गाड़ी आ रही है भाई, किसकी गाड़ी है, अभी ये कौन है, अबे इसके पीछे से नहीं पड़े सारे निकल, ऐसे मेरा गोल्ड चुराओगे भाई साहब, इसे तो आयरन मैन को गोली मार दी। अरे अब मैं क्या करूं यार, अभी ये पिकनिक तो बिल्कुल सेफ नहीं है, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। और मैं यार कभी ओपन में यार क्लास भी नहीं कर सकता क्योंकि ये तो बिल्कुल रिस्की है यार, ये गोल्ड मैंने बस इतना सा गोल्ड के दिखाया, इतने सारे बंदे हमें मारने आ गए, मुझे कोई यार और जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे मैं इनके यार पढ़ाई करा सकूं। रुको यार मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। तो गाइस यार मुझे फाइनली आइडिया मिल चुका है, मैं यार सारे सारे बच्चों को लेके जा रहा हूँ और आयरन मैन को हमने हॉस्पिटल में भेज दिया क्योंकि उसको गोली लग गई थी। कोई बात नहीं, अभी अपन चलते फटाफट से उस अपनी नई जगह जहाँ पे अब अपनी क्लास कराने वाले, ना मैं अपने घर पे कराने वाला हूँ ना मैं कहीं ओपन एरिया में कराऊंगा, अब मैं सीधा स्कूल में क्लास कराऊंगा। और ये बस इधर उधर क्यों जा रही है, चलो उसको फटाफट से लेके चलते हैं। तो गाइस यार हम आ चुके हैं स्कूल के अंदर जहाँ पे मैंने बात करी है क्लास के बारे में और जहाँ पे मैं सबको पढ़ाने वाला हूँ, तो अभी आओ फटाफट से चलते हैं। अरे फिकी भी यहाँ पे तो कोई नहीं आएगा ना। अरे यार तू टेंशन मत, शिनचैन यार वहाँ पर एकदम से कोई आ गया, ये रही अपनी नई नई क्लास, यहाँ पे सबके सब जने अपने बैठने वाले, हल्के लिए थोड़ी सी क्लास छोटी है पर कोई बात नहीं, यहाँ पे बहुत सारी बेंच है, बुक्स है, सारी की सारी चीजें आ चुकी है, यहाँ पे बोर्ड टीवी सब की सब चीजें, प्रोजेक्टर भी है, तो यहाँ पे पढ़ाने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो सारे सारे बच्चों को आने दो, फिर अपन यार पढ़ाई शुरू करते हैं। तो यार अभी सबके सब जने आ चुके, अब सुनो मेरी बात, अपन आ चुके अच्छी जगह पर, तो अभी यार क्वेश्चंस भी अच्छे अच्छे पूछने वाला हूँ, तो अभी सबसे हार्ड क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ। तो मुझे बताओ इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं। अरे फिकी मुझे पता है, मुझे पता है, बता बता। अरे फिकी में 29। अबे नहीं नहीं बिल्कुल गलत। अरे अरे मुझे पता है, बताओ भाई जिसको पता है बोलते जाओ। अरे 53। 53 तो कहीं से भी नहीं होते। गाइस यार क्या आपको पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, फटाफट से मुझे कमेंट में जाके बता दो। A few moments later. तो गाइस यार अभी मैंने पहन लिए बढ़िया कपड़े क्योंकि यार बड़ी क्लास में आ चुके हैं तो कपड़े भी अच्छे पहनने चाहिए हमें। यहाँ पे खड्डा किसने किया था, चलो वो छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन लाया था। मुझे बताओ कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है। गाइस यार आपको मुझे बताना है कि सोलर सिस्टम में सबसे छोटा प्लेनेट कौन सा है, फटाफट से मुझे कमेंट में बता दो। तो गाइस यार आज की वजह से इतना ही, अगर आपको अच्छी वीडियो चलेगी तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, बताना कैसे लगी वीडियो फटाफट से कमेंट में बता दो। और गाइस यार इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड का डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर भी ज्वाइन और फॉलो कर लेना। और गाइस यार मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।